हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्पॉटलाइट में है सुपरस्टार राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का असली नाम था जेतन खन्ना और ये पैदा हुए थे 2 दिसंबर 1942 में। अमृतसर शहर था और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि राजेश खन्ना को प्यार से सभी काका कहा करते थे। अब इन काका की स्टोरी जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। चलिए काका की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। राजेश खन्ना के वालिद का नाम था लाला हीरानंद और इनकी वालदा का नाम था चंद्रानी खन्ना। राजेश खन्ना के वालिद एक हेडमास्टर थे स्कूल में। बाद में राजेश खन्ना के नज़दीकी रिश्तेदारों ने उन्हें गोद लिया। राजेश खन्ना ने जिस स्कूल से तालीम हासिल की वहाँ पर राजेश खन्ना की मुलाकात रवि कपूर से हुई, वही रवि कपूर जो आगे जाकर जितंदर बने। स्कूल और कॉलेज के दिनों में राजेश खन्ना एक्टिंग किया करते थे और कई मर्तबा राजेश खन्ना को इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन में अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसे ही एक ड्रामा कॉम्पिटिशन में जज ने राजेश खन्ना से कहा, तुम्हें फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। फिर क्या था, राजेश खन्ना ने दिल में ठान ली कि अब फिल्मों में काम करेंगे। के खन्ना राजेश खन्ना के अंकल थे, उन्होंने जितन खन्ना से नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। ये बात भी गौर करने लायक है कि राजेश खन्ना एक टैलेंट हंट का हिस्सा थे। उस ज़माने में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर एक टैलेंट हंट किया करते थे जिसमें राजेश खन्ना अव्वल आए और राजेश खन्ना को बीआर चोपड़ा, बीमल रॉय, जीपी सिप्पी, नासिर हुसैन, ओम प्रकाश और इन जैसे ज़बरदस्त प्रोड्यूसर के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और कंपटीशन जीतने पर राजेश खन्ना को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 1966 वो साल था जब राजेश खन्ना ने फिल्म में काम करना शुरू किया। फिल्म थी आखिरी खत और इसके बाद फिल्म मिली राज। बात भी मशहूर रही कि राजेश खन्ना ने बतौर हीरो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसीलिए मनोज कुमार की फिल्म उपकार में राजेश खन्ना साइड हीरो की तरह नज़र नहीं आ पाए और बाद में वो रोल मिला प्रेम चोपड़ा को। उस दौर में राजेश खन्ना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास बिजनेस नहीं कर पा रही थी। ज़बरदस्त डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति समंता ने राजेश खन्ना को एक ऐसी कहानी ऑफर की जिसे सुनने के बाद राजेश खन्ना ने मना किया और कहा कि इस फिल्म में मेन रोल तो हीरोइन का है, मैं क्या करूँगा। शक्ति समंता ने बड़ा समझाया और राजेश खन्ना फिर मान गए और फिल्म में दो राजेश खन्ना नज़र आए और फिल्म इंडस्ट्री को मिला पहला सुपरस्टार। फिल्म कोई और नहीं, ये फिल्म थी आराधना। खन्ना की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ बहुत सराही गई। बाद में आशा पारेख और मुमताज़ के साथ भी राजेश खन्ना का नाम खूब चमका। तनुजा के साथ भी राजेश खन्ना की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, ख़ास तौर पर फिल्म मेरे जीवन साथी में। राजेश खन्ना ने वो दीवानगी देखी लोगों की जो किसी और सुपरस्टार ने कभी नहीं देखी। राजेश खन्ना के फैंस राजेश खन्ना की गाड़ी को चूमा करते थे। जिस जगह से राजेश खन्ना की गाड़ी निकलती लड़कियां उस धूल से अपनी मांग भर लिया करती थीं। बहुत सी लड़कियों ने राजेश खन्ना की तस्वीर से ही अपनी शादी कर ली। राजेश खन्ना ने एक साथ 15 से 16 सुपरहिट फिल्म दीं। उसके बाद राजेश खन्ना का कोई मुकाबला ही नहीं था। बड़े बड़े हीरो की कुर्सी राजेश खन्ना ने हिला कर रख दी थी। फिर एक फिल्म आई नमक हराम जिसमें अमिताभ ने सपोर्टिंग एक्टर का काम किया। राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार बने कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर राजेश खन्ना की फिल्मों में म्यूजिक दे रहा था, चाहे वो आर डी बर्मन हो, एस डी बर्मन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो। उस दौर में राजेश खन्ना के लिए यहाँ तक कहा जाने लगा कि ऊपर आका और नीचे काका। खन्ना का अफेयर रहा उस जमाने की मशहूर मॉडल अंजुम साथ। ये रिश्ता आगे चला लेकिन फिर बाद में इस रिश्ते में दरार आ गई और अंजुम राजेश खन्ना अलग हो गए। राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी की, उस वक्त फिल्म बॉबी पूरी नहीं हुई थी और डिंपल इतनी बड़ी सुपरस्टार बनेगी उस वक्त किसी को इस बात का पता भी नहीं था। शादी से राजेश खन्ना की दो बेटियाँ हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। बाद में राजेश खन्ना के दामाद बने सुपरस्टार अक्षय कुमार। एक फिल्म ऐसी भी आने वाली थी जिसमें राजेश खन्ना और डिंपल बतौर हीरो हीरोइन नज़र आने वाले थे। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर। फिर एक दो दिन फिल्म की शूटिंग हुई और फिर फिल्म डब्बे में बंद हो गई।
अपने स्टाइल से, अपने डायलॉग डिलीवरी से राजेश खन्ना ने इतना गहरा असर छोड़ा था कि बड़े से बड़ा एक्टर उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव राजेश खन्ना ने देखे और उसके बाद सियासत में आ गए। राजेश खन्ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए। राजेश खन्ना को 3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया और फिर राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि भारत के डाक टिकट पर 3 मई 2013 को राजेश खन्ना की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बम्बई में एक चौक का नाम भी सुपरस्टार राजेश खन्ना के नाम पर रखा गया। 2012 में वो वक्त आया जब पता चला कि राजेश खन्ना की बीमारी बढ़ती जा रही है। कई बार हॉस्पिटलाइज हुए और फिर 18 जुलाई 2012 वो घड़ी आ गई जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांसें ली। राजेश खन्ना की आखिरी रसूमात में फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हुजूम सामने आया। बड़े से बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना की याद में रोया। राजेश खन्ना की फिल्म अनंत का वो डायलॉग उन पर बिल्कुल फिट बैठ गया। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में सुपरस्टार राजेश खन्ना दुनिया को अलविदा कह गए। राजेश खन्ना का नाम बॉलीवुड में हमेशा फ़ख्र से लिया जाएगा। ये थी काका की कहानी और यहाँ पर शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफिज़।